Hello Nazreen, hope so all of you are fine and doing well. Let's move toward our next lecture, that is level of organization. So today we are going to discuss level of organization, that is the second lecture from first year biology. So what is organization? Organization means that all living things are organized, they are complex. So it means that jitni bhi living things hain unke andar levels of organization hain. Jab isko hum study karte hain, facts dekhte hain jo aapne remember karne hain about level of organization, aapne dekha ki jitni bhi living things hoti hain unke andar बेशुमार केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. वो जो बेशुमार तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जब उनको देखा जाता है तो उसके अंदर जो है डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं. तो जब 92 एलिमेंट्स को देखा जाता है जो नेचुरली अकरिंग है, 92 में से 16 जो है उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि जो बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इन्हीं 16 बायो एलिमेंट से मिलकर बनती है. और ये जो हमारे पास 16 है, इनमें से जो 6 हैं वो टोटल बॉडी का 99% जो मैस है वो इन पे कंसिस्ट होता है. और बाकी जो 10 बचे वो जो है वो भी 1% बॉडी का वो बनाते हैं. अब जो हमारे पास 6 जो मोस्ट अबंडेंट हैं उनको मेजर एलिमेंट्स कहते हैं, उनमें हमारे पास कौन कौन सी है? ऑक्सीजन है जो कि 65% मौजूद होती है, 99% में से 65% क्या मौजूद है? ऑक्सीजन. कार्बन जो है वो कितना है? 18% है. हाइड्रोजन कितनी है? 10% है. नाइट्रोजन कितनी है जी? 3% है. कैल्शियम कितनी है? 2% है. और फॉस्फोरस 1% है. और उसके अलावा जो हमारे पास ये कॉपर है, मैगनीज है, जिंक है, आयोडीन है, ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं. ट्रेस एलिमेंट्स का मतलब ये थोड़ी अमाउंट में हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास इस तरह इस एग्जांपल समझ लो कि आपने छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाना है. तो जब किसी भी जानदार की ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता है तो पहला जो लेवल है वो है सब एटॉमिक लेवल. ये जो हमारे पास सब एटॉमिक लेवल है, जिसकी जब बात की जाए, सब का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, एटॉमिक एटम के अंदर. ये एटम्स के अंदर आपको पता है हमारे पास प्रोटॉन होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा न्यूट्रॉन मौजूद हैं, प्रोटॉन मौजूद हैं, न्यूट्रॉन मौजूद हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे क्या हैं? सब एटॉमिक लेवल हैं. और जब हमारे पास ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब आप उसमें मिलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल बनता है वो एटॉमिक लेवल है. जितना भी हमारे पास मैटर है, इसका मैस होता है, स्पेस कवर करता है, उसको हम मैटर कहते हैं. मैटर दो तरह का है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी. लिविंग और नॉन लिविंग जो है दोनों एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है. अब जो हमारे पास एटॉमिक लेवल है, असल में ये एटम्स की बात करता है. जिस तरह कार्बन एक एटम है, हाइड्रोजन, ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब एटम्स आपस में मिलते हैं किसी बॉन्ड के जरिए, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, आयोनिक बॉन्ड के जरिए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो है मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूल बनाने की क्या जरूरत है कि एटम जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो क्या करते हैं, इकट्ठे मिलके अगला जो लेवल है वो मॉलिक्यूलर लेवल बना देते हैं. और मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, साइज की बेस पे जो है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है और मैक्रो मॉलिक्यूल. साइज और वेट की बेस पे, जिनका साइज और वेट जो है वो कम है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, जिनका साइज और वेट ज्यादा है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है. इसी तरह हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कुछ इनऑर्गेनिक है. जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होती है, और इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद नहीं होते. उसके अलावा हमारे पास आप एग्जांपल देख लो तो डीएनए, आरएनए, ठीक है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे पास मॉलिक्यूल है.
और जो छोटे मॉलिक्यूल है जिस तरह वाटर जो है छोटा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स ये सारे क्या है बड़े मॉलिक्यूल है, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, जो मॉलिक्यूलर लेवल होता है ये आगे मिलकर क्या बनाता है ऑर्गेनेली लेवल बनाता है, और जब हमारे पास ऑर्गेनेली लेवल जो है ये बन जाता है उसने अगला जो लेवल हमारे पास आता है वो है जी सेलुलर लेवल, और सेलुलर लेवल के बाद जब आगे चलते हैं तो हमारे पास मजीद जब हम डिस्कस करते हैं आगे चल के, तो सेलुलर लेवल जो है ऑर्गेनेली लेवल जो है इसमें क्या आता है, जो हमारे पास ऑर्गेनेली लेवल है इसमें जब देखा जाता है तो ये हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं इनसाइड द सेल, जो कि हमारे पास डिफरेंट शक्ल में पाई जाती हैं। आपकी बुक पे इस तरह का जो है एक स्ट्रक्चर बना होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो बताएगा कि आपके पास नीचे आए तो सबसे पहले जो है वो छोटा लेवल है वो कौन सा है, जिससे एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है, तो पार्टिकल्स जो एटम्स को बनाते हैं उन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, और जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं आपस में इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं एटम, तो एटम क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट्स का जिसके पास उस एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसकी एग्जाम्पल है, उसके अलावा हमारे पास जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल ये सारे जिसका साइज और मॉलिक्यूलर वेट कम है वो माइक्रो है और जिनका साइज और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स का होता है तो हमारे पास ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे वाटर है उसके अलावा ग्लूकोज है डीएनए है, उसके अलावा आगे देखें तो हमारे पास ऑर्गेनेलीज ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल्स के अंदर पाई जाती हैं और स्पेसिफिक जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती है, जैसे कि माइटोकांड्रिया है उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है न्यूक्लियस है, उसके अलावा जब हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ उसे सेल कहते हैं, इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है वो हमारे पास क्या है नर्व सेल है, उसके अलावा जब आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास टिश्यू लेवल आ जाता है, जब टिश्यू की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है जी कि ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स है ठीक है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन अदा करता है उसे हम टिश्यू कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू है मसल टिश्यू है ये सारे के सारे हमारे पास टिश्यू की एग्जांपल है, और जब टिश्यू आपस में मिलते हैं और खास तरह का फंक्शन अदा करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गन ठीक है, जैसे कि ब्रेन है हमारे पास स्टोमिक है और हर ऑर्गन जो है वो अपना फंक्शन अदा करता है, और उसके बाद जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनती है दैट इज द ऑर्गन सिस्टम, तो हमारे पास आगे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कौन सी होगी ऑर्गन सिस्टम होता है, और जब बहुत ज्यादा ऑर्गन आपस में इकट्ठा वर्क करते हैं और उसके अलावा एक स्पेसिफिक बॉडी के फंक्शन अदा करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और इस तरह जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलता है तो नेक्स्ट लेवल जो आता है दैट इज द इंडिविजुअल, और जो इंडिविजुअल होता है वो मल्टी सेलुलर होगा ठीक है, जिसके हमारे पास इंडिविजुअल वो लिविंग थिंग्स होती है जिसके अंदर बहुत सारा सेल्स पाई जाती है, और उसके अलावा जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब सिमिलर ग्रुप जो होता है ऑर्गेनिज्म का जब वो आपस में इकट्ठे रहे इंटरब्रीड करें तो उससे स्पीशीज बनती है, और जब हमारे पास मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज जो है वो सेम प्लेस में रहें और सेम एरिया में रहें उसे पॉपुलेशन कहते हैं, और जब पॉपुलेशन आपस में इकट्ठी रहती है दो से ज्यादा पॉपुलेशन आपस में इकट्ठी रहे इंटरेक्ट करें एक खास एरिया में तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, और उसके अलावा इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी गई है कि वो कम्युनिटी जो अपने नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करके रहती है इंटरेक्शन करके रहती है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो है बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर हमारे पास अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ पे जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रह रही होती हैं, बहुत लिविंग जो नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट्स वहाँ पे रह रही होती हैं उसे हम क्या कहते हैं जी ये बायोस्फीयर है ठीक है, तो उसके अलावा जी आगे जब देखते हैं तो हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन की, जब उसको देखें हमारे पास वो तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब आगे चलते हैं तो
बातें हैं वो याद रखनी पड़ती हैं कि जो हमारे पास पॉपुलेशंस की एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जीन फ्रिक्वेंसी है, जीन फ्लो है, और डिस्ट्रीब्यूशन एज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है और पॉपुलेशन प्रेशर है। ये सारे के सारे किसी भी पॉपुलेशन को जो पढ़ रहे होते हैं, पॉपुलेशन किसी भी एरिया के अंदर पार्टिकुलर स्पीशीज जो आपस में इकट्ठी रह रही होती हैं, तो उनके अंदर जीन्स की फ्रिक्वेंसी क्या है, जीन्स क्या है, ये स्टूडेंट यूनिट ऑफ हेरिडिटी है कि उसके अंदर जो वैरायटी है जेनेटिक मटीरियल की उसको देखा जाता है। जीन फ्लो, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर से इंडिविजुअल किसी जगह चले जाते हैं तो वहाँ का जेनेटिक मटीरियल फ्लो करता है उसको देखा जाता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, किसी की उम्र छोटी होती है, कोई जवान होता है, कोई बूढ़ा होता है, उसको देखा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाती है कि वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन प्रेशर देखा जाता है कि एक एरिया के अंदर अगर ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से एक फोर्स जिसे पॉपुलेशन प्रेशर कहते हैं। उसके अलावा जब डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज प्लांट्स की और एनिमल्स की आपस में इकट्ठी हो जाए तो कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटीज हमारे पास डायनामिक कलेक्शन है। डायनामिक कलेक्शन का मतलब वो जानदार जो लिविंग हैं, जो जिंदा होते हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम कम्युनिटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स का इंट्रैक्शन होता है वो प्रीडेशन की शक्ल में होता है। प्रीडेशन में क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। इसमें हमारे पास एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे होता है। जिस तरह एक शेर जो है वो हरन पे जो है शिकार करता है। पैरासाइटिज्म, इसमें हमारे पास एक पैरासाइट होता है जो होस्ट के ऊपर रहता है, वहाँ से वो खुराक लेता है, बदले में नुकसान पहुँचाता है। कमेंसलिज्म को देखा जाता है। म्यूचुअलिज्म जो है ये सारे इंट्रैक्शन है, जिसमें म्यूचुअलिज्म फॉर एग्जाम्पल जिसमें दोनों स्पीशीज आपस में इकट्ठी रहती हैं, दूसरे को फायदा पहुँचाती हैं, और कमेंसलिज्म में एक को फायदा हो रहा होता है दूसरे को नुकसान ना फायदा। इसी तरह कम्पिटिशन हो रहा होता है, मुकाबले हो रहे होते हैं किसी कम्युनिटी के अंदर। लास्ट पे हमारे पास बायोम की डेफिनेशन है। एक बायोम जो है वो लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जिसको हम क्लाइमेट की बेस पे बयान करते हैं। तो कोई भी हमारे पास किसी इलाका की खास तरह की कम्युनिटी जिसको हम क्लाइमेट की बेस पे बयान करें, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ पहाड़ी इलाके जहाँ बर्फबारी होती है तो वहाँ की रहने वाले जो जानवर होते हैं उनकी जो खसूसियात है वो और है। इसी तरह जो सहरा है, डेजर्ट है, उसके अंदर रहने वाली जो कम्युनिटी है उसकी अपनी खसूसियात है। कि जब भी हम किसी कम्युनिटी को क्लाइमेट की बेस पर डिटरमाइन करते हैं तो उसे बायोम कहते हैं। तो हमारे पास मेजर जो हमारे पास प्लांट्स की टाइप हैं, अगर आप उनको डिटरमाइन करना चाहते हैं या एनिमल्स की काइंड को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम बायोम की ही बेस पर उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये था एक बेसिक समरी और बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सब एटॉमिक लेवल है वो आपस में मिलके एटॉमिक लेवल बनाते हैं। जब एटम्स आपस में मिलते हैं खास तरह के जो कोवलेंट बॉन्ड बना के, आयोनिक बॉन्ड बना के, शेयरिंग करके, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक भी। उसके अलावा फिर हमने देखा कि ऑर्गेनेल्स क्या है, कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल जो एक खास तरह का फंक्शन अदा करती है, जैसे कि माइटोकांड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है। और उसके अलावा हमारे पास सेल क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में वाज़ह न्यूक्लियस नहीं होता, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स लिमिटेड होती हैं, यू या ना होने के बराबर है। यूकैरियोट्स जो है न्यूक्लियस वाज़ह होता है और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसी हैं जिनके अंदर एक सेल हो तो उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हो तो उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में इकट्ठी हो तो पार्टिकल फंक्शन अदा कर उसे टिश्यू कहते हैं। मसल्स टिश्यूज की एग्जांपल है। तो जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं खास तरह का जो है वो फंक्शन अदा करते हैं और उसे कहते हैं ऑर्गन। स्टोमिक जैसे हमारा ठीक है ब्रेन है, ठीक है हमारे पास जो है लीवर है, ये सारे ऑर्गन हैं। उसके अलावा जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं और एक पर्टिकुलर एक खास तरह का जो है वो जानदार बना देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जिस तरह हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टोमिक मौजूद है, क्लोआक की नाली, पेरेंट्स सॉरी ईसोफेगस मौजूद है, ठीक है,
एनस मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे का सारा आपका ऑर्गन सिस्टम है। जब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो इंडिविजुअल बनता है, इंडिविजुअल जो तकसीम ना हो सके, इसमें सारे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं और वो एक खास तरह का काम अदा करते हैं। जिस तरह जो आप एक्सरसाइज करते हैं, ना सिर्फ आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम कर रहा होता है, बल्कि साथ साथ आपका जो मस्कुलर सिस्टम है वो भी काम कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी काम कर रहा है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी मूव कर रहा है, इसी तरह आप पसीना आना शुरू हो जाते हैं। तो सारे का सारा जो एक पर्टिकुलर वे में जो फंक्शन है वो इंडिविजुअल्स के अंदर इकट्ठे हो रहे होते हैं, ठीक है, वो सारे आपस में इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल जो तकसीम ना हो सके, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको पानी लगा हो, सॉरी आपको प्यास लगी हो, तो आप पानी पीने के लिए खुद उठते जाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि चलो मेरे मुंह का पानी पी लिया जाए, ऐसे नहीं हो सकता। पूरी बॉडी जो है वो मूव करते हैं, आपको चोट लग जाए तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, पूरा आप मूव करके जाते हैं। जब आपस में इंडिविजुअल आपस में मिलकर इकट्ठा रहते हैं खास एरिया पे, उसे पॉपुलेशन कहते हैं, तो जब पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, उसे कम्युनिटी कहते हैं। फिर बायोम के बारे में बताया कि हमारे पास वो ओरिजिनल कम्युनिटी होती है जिसको हम क्लाइमेट की बेस पर डिटरमाइन करते हैं। तो इसको रिवाइज कीजिएगा थोड़ा सा, इसमें आज सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था, थोड़ा गड़बड़ हुई है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मजीद जो है इसको बेहतर करेंगे और लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के बारे में तज़किरा करेंगे। याद रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।